अब हम जो जेनेटिक्स है उसकी जो हिस्ट्री है उसका जो इतिहास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे जो सराहनीय काम है वो मेंडल ने किया था, जिसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है जो वो देने की कोशिश की थी, और उनके बारे में समझते हैं। ये पिक हैं मेंडल, जॉर्ज मेंडल की, ग्रिगोर मेंडल की। तो ये 1850 के आसपास इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये मिक्सिंग करते थे करेक्टर्स की, जैसे टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन करवा के क्या रिजल्ट आते हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारे जो डाटा इकट्ठा करने की कोशिश की। तो गार्डन पी है जो इनको, जो बागवानी वगैरह का जो गार्डनिंग का शौक था, तो उसमें ये मटर की खेती करते थे, और मटर के अंदर ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। लगभग 7 सालों तक है जो एक्सपेरिमेंट किए, और 1856 से 1863 का जो ये टाइम इंटरवल था, तो उसमें इन जो एक्सपेरिमेंट है उनको स्टडी करके इन्होंने ला दिए, जिनको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं अप्लाइड स्टैटिकली। तो इन्होंने जो स्टैटिक्स, जो मैथमेटिकल जो डाटाज वगैरह है उनकी एनालिसिस की, उनका निरीक्षण किया, और मैथमेटिकल लॉजिक्स जो फंक्शन है मैथमेटिक्स में, तो उनको भी बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करने की है जो कोशिश की। तो वैसे ही फील्ड से मैथमेटिशियन थे, शौक से बायोलॉजिस्ट बन गए। वैसे ये एक्सपेरिमेंट्स हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज प्रोवाइडिंग मच डाटा। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, हजारों की संख्या में एक्सपेरिमेंट करते थे, काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा करते थे, और वो काफ़ी सैंपल था जो इनका, जो सीड वगैरह है जो ये ग्रोथ करते, उनको ग्रो करके जर्मिनेट करके जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते, तो वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से जो जनरल रूल है इनहेरिटेंस के, उनको इन्होंने विद प्रूफ है जो वो साबित करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटेड करैक्टर्स इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स। तो इन्होंने ऐसे करैक्टर को ही स्टडी किया जो कि बिल्कुल एक अपोजिट ट्रेट्स लिए हुए थे, जैसे टाल एंड ड्वार्फ प्लांट्स हो गए, हाइट का जो फैक्टर है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। तो उस टाइम पे ज़्यादा ये जेनेटिक्स को तो डिटेल से तो नहीं समझ सकते थे, जो कि बिल्कुल उस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाता है। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा काम किया है, जैसे येलो एंड ग्रीन सीड हैं, जो मटर के सीड होते हैं वो येलो और ग्रीन देखने को मिलते हैं, इन करेक्टर्स पे उन्होंने ज़्यादा गौर किया था। कंडक्टेड आर्टिफिशियल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने जो क्रॉस पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट हैं, खुद जो इंसान के द्वारा किया जाता है आर्टिफिशियल पोलिनेशन, एक नेचुरल पोलिनेशन होती है, एक आर्टिफिशियल पोलिनेशन है, तो उसके बेस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन के बाद, आगे कई पीढ़ियों तक सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो एक पीढ़ी तैयार होती है, एक जो प्योरिटी वाली पीढ़ी होती है, तो उसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। तो उनके अंदर क्रॉसिंग करवा के जो एक्सपेरिमेंट है वो किए थे इन्होंने। ट्रू ब्रीडिंग क्या होते हैं, लाइन विच अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन। तो वो ब्रीडिंग होती है, ये ट्रू वो लाइन होती है, वो एक वंशावली बोलते हैं, वो चीज़ होती है जो कि सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, बाहर से कोई मिक्सिंग होने कोई चांस नहीं होते, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। शोज दैट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। तो इसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगी, जो ट्रेट हैं वो स्टेबल रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, और जो एक्सप्रेशन है वो सेवरल जनरेशन तक भी देखने को मिलता है। रिजल्ट्स क्या थे मेंडल एक्सपेरिमेंट के, तो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वराइटीज। तो इन्होंने जो 14 हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो स्टडी किए थे। मेन जो उसने 7 करैक्टर स्टडी किए थे, उन्हीं के आगे जो अलग अलग जो डोमिनेंट रिसेसिव करैक्टर हैं वो स्टडी किए, एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो पेयर्स में स्टडी किया था विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करैक्टर, तो उन करैक्टर्स के अलावा जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेट को लिए हुए थे। तो जैसे हम पिक से देख सकते हैं, तो इसमें जो 7 जो मेन करेक्टर हैं उन्होंने स्टडी किए थे, उसके बाद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ से आते थे। जो फ्लावर का कलर है, जैसे पर्पल कलर का भी होता है पी के अंदर, और व्हाइट कलर का भी होता है, तो डोमिनेंट है जो वो पर्पल कलर, कई बार एक नंबर पूछ लेते हैं कि कौन से जो करेक्टर हैं वो डोमिनेंट है, तो ऊपर वाले डोमिनेंट रहेंगे। जो फ्लावर है, फ्लावर के 2 गुण यहाँ पे उसने देखे, 2 टाइप के रंग देखे उसने, एलील एलीलिक फॉर्म देखी। प्लांट हाइट टाल और ड्वार्फ देखने को मिलती है। सीड का कलर है जो येलो एंड ग्रीन देखने को मिलेगा। सीड की जो शेप है वो राउंड एंड रिंकल्ड, झुर्रीदार शेप जिसको बोलते हैं। पोड का जो कलर है, फली का जो कलर है वो ग्रीन और येलो देखने को मिलेगा। पोड का जो शेप है, तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो ग्रीन है वो डोमिनेंट रहता है पोड के कलर के केस में, लेकिन जो येलो कलर है वो डोमिनेंट रहेगा सीड कलर के केस में, तो ये अपोजिट रहता है थोड़ा। और पोड शेप है जो इनफ्लेटेंड है, इनफ्लेटेंड मतलब फुल एक जैसी देखने को मिलेगी स्मूथ, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, इसके अंदर उबार वगैरह है या फिर ग्रूव्स वगैरह वो देखने को मिलेंगे।
उसके बाद फ्लावर का जो पोजीशन है वो एक्जियल भी देखने को मिल सकती है। एक्जियल मतलब साइड में, जैसे ये मेन टहनी ऊपर की तरफ जा रही है, मेन जो स्टेम है और साइड में निकला हुआ फूल, लेकिन यहाँ पे जो फूल है वो टर्मिनल पोजीशन पे है, जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड देखने को मिल रही है। तो ये जो टोटल वैसे सात करेक्टर थे, और यदि इनके डिवीजन करें तो टोटल जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो 14 हैं, उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की थी। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट दिए, काफ़ी सारे जो उन्होंने रूल्स वगैरह दिए हैं, तीन रूल दिए हैं, फिर भी मेंडल की अनसक्सेस रही है, तो उसके कारण देखेंगे मेंडल असफल रहा है वो अलग बात है कि बाद में आज उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो जब तक वो अलाइव थे जब तक उनको ज़्यादा कुछ फेमिसिटी देखने को नहीं मिली। तो मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर्स इन 1865, तो जो भी उन्होंने काम किया था वो 1865 में पब्लिश किया उन्होंने, लेकिन 1900 तक वो जो काम है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, वो ज़्यादा कुछ फेमिसिटी उसके अंदर जो ज़्यादा प्रसिद्धि है वो नहीं मिल पाई। उसके जो कारण थे वो क्या थे, कम्युनिकेशन उस टाइम पे जो संचार के जो माध्यम थे वो इतने ईजी नहीं थे जो आज हम इंटरनेट देखते हैं, विद इन सेकेंड्स जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता था। और इन दोज डेज हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, तो ज़्यादा प्रकाशित भी नहीं हुआ उस टाइम पे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट विच डिडंट ब्लेंड विद ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कॉन्टेम्परेरीज, उस टाइम के जो समकालीन उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो उनका कॉन्सेप्ट था कि जो जीन्स हैं वो स्टेबल रहते हैं और डिस्क्रीट यूनिट में पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, अपने जो सेपरेट सेपरेट गुण शो करते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, तो ये जो बातें हैं जब न्यू उस टाइम के जो भी कॉन्टेम्परेरीज थे, समकालिक वैज्ञानिक थे। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना, और मेंडल ने जो मैथमेटिक्स यूज किया था, जो वो बायोलॉजी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी ये बड़ी टिपिकल सी लगती है, ये चैप्टर है जो इनहेरिटेंस वाला है, और उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनको भी ये बड़ी टिपिकल चीज़ लगी कि मैथमेटिक्स है जो वो किस तरीके से यूज किया गया है बायोलॉजी के अंदर, तो वो भी अनएक्सेप्टेबल था उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए, क्योंकि खुद बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, तो इस वजह से बायोलॉजिस्ट थे जो उस टाइम जो रियल बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, और उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कलेक्ट किए थे उसके बेस पे जो अपना जितना भी मटेरियल था वो प्रोवाइड किया था, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या काम करता था, फिजिकल प्रूफ क्या थे उनके ऊपर उन्होंने कोई भी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, ज़्यादा वो यूज नहीं की जाती थी, और उस टाइम वो तीन ही थी, तो जिसकी वजह से फिजिकल प्रूफ है वो भी नहीं दे पाए थे वो। उसके बाद इन 1900 के अंदर थ्री साइंटिस्ट थे जो उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, और उससे जो डिस्कवरीज देखने को मिली वो मेंडल ने जो काम किए थे वही जो डिस्कवरी है वहाँ पे देखने को मिली, तो रिजल्ट इन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स है, तो करेक्टर्स के अंदर है वो इनहेरिटेंस है वो देखने को मिला। और ये तीन साइंटिस्ट थे जो डी वेरिज, कोरेन और वोन सेरमार्क, तो ये तीन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मेंडल के काम को रिडिस्कवर किया था।